और मैंने एक वजीफा किया था, वो भी आप सब बहन भाइयों को बताता चलूं। अगर आपके हालात बहुत ज्यादा तंग हो, तंग दस्ती हो, चाहे आपके हालात जितने भी तंग दस्ती में हो, तो जब वो आप वजीफा कर लेंगे उसके बाद आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। इसका नाम शमशादी नहीं है, इसका असल नाम कुछ और है। तो मेरी बड़ी बहन थी, वो अल्लाह ताला के पास चली गई, उसका नाम शमशाद था। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर अफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है आप सब बहन भाइयों की दुआ से। ये सांप चला गया है जी यहाँ से, ये देखें इस साइड पे गया है या इधर चला गया है, कोई पता नहीं है। अल्लाह खैर करे, तो हमारी दुआ है हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुँच जाए। तो माशाल्लाह फिर से एक न्यू सुबह का आगाज़ हो चुका है और आपकी खिदमत में आपका भाई हो गया हाज़िर। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। जो भी न्यू हमारे चैनल पे आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रोटियाँ लग चुकी हैं या अभी लग रही हैं। लग चुकी हैं तो फिर नाश्ता करते हैं। जिसने भी आना है नाश्ता करने हमारे साथ तो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। और गर्मी जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ रही है, अभी 2 महीने तो पक्के हैं गर्मी के, बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मजबूरी है, और तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अंदर चलते हैं और आगे की सारी वीडियो आप सब बहन भैया से शेयर करते हैं। आज एतवार है और बच्चे सुबह सुबह के टाइम अपने काम में लगे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह जी वाह, ये कैसी बॉल है, है? बैट्समैन हबीबुल्ला है, बॉलर कौन बना हुआ है? चलें जी देखते हैं कैसी बॉल है इसकी और हबीबुल्ला की बैटिंग कैसी है। ओए परते खर की बाल करावे, इतने नाल आके ना करावे। हाँ विकेट नाल रखी खड़े हुए, विकेट जो है ना बिल्कुल करीब रखी हुई है। ये बॉल ठीक नहीं कराई आपने, डेड बॉल है। चलें जी लगे रहे।
माशाल्लाह जी, रोटियां तो लग चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। रोटियां भी लग चुकी हैं और रोटियों पर मक्खन भी लग चुका है और प्याज भी लग चुके हैं, सब कुछ जो है ना रेडी है, आपके इंतजार है। आप भी बैठे हैं, नाश्ता कर लें, ताज़ा ताज़ा नाश्ता। चलें जी, कोशिश करते हैं, नाश्ता करते हैं। और कमल बाजी अपने हाथ धो रही है रोटियां वगैरह लगा के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मेरा? ठीक है, खुश राजी तकड़े ठाक ठोक बदूर सब ठीक है, माशाल्लाह सब ठीक है, खुश है। और अम्मी जान आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अलहमदुल्ला, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे हमारे साथ, हमारे वालदैन को। और खुबैब क्यों छुपे हुए हो? आए हो? आपको शर्म आती है? चलें जी फिर नाश्ता करें, आपका नाश्ता तैयार है? आप अंदर बैठते हो? इधर मैं अंदर बैठता हूँ, मुझे गर्मी हो रही है क्योंकि मेरा पसीना निकल रहा है। ये देखें जी, कपड़े भी मेरे भीग चुके हैं और चेहरे पे भी आप देख सकते हैं पसीना टपक रहा है। चलें आ जाएं, आप अंदर बैठे, जान भी नाश्ता कर रहे हैं, आप भी अंदर बैठे। हाँ जी, नाश्ता कर लें और उसके बाद हमारी कहानी भी आगे स्टार्ट होनी है। जो आगे वाली हमारी स्टोरी है वो भी आप सब बहन भैया से इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। गपशप होगी, काफ़ी सारी बातें होंगी इंशाल्लाह ताला। तो नाश्ता मेरा लेके जा रही है अंदर कमरे में, मैं अंदर बैठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला आप सब बहन भैया से मुलाकात होगी। ठीक हो गया जी? माशाल्लाह आपका भाई भी नाश्ता करने लगा है, मामू जान ने नाश्ता कर लिया है। वैसे सुबह सुबह के टाइम मामू थोड़ी सी रोटी खाते हैं, मुझसे भी आज ज्यादा से ज्यादा आधी रोटी खाई जाएगी। हाँ, सुबह सुबह के टाइम जो है ना आपके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, वो मुंह से पानी आ रहा था और गोली जो है ना खाली पेट वाली है वो भी मैंने खिलाई है, अल्लाह पाक खैर करे। मतली जिसे बोलते हैं, मुंह से पानी, अजीब सी कैफियत, कच्चा कच्चा मैदा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चले मैं बाहर बच्चों को नाश्ता दे दूं, आप भी नाश्ता कर लें। ओके जी। तो प्यारे बहन भैया, शाम का टाइम होने वाला है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे मैदे का काफ़ी मसला बन गया था और इसे मैंने कहा भी था कि आप जो है ना वीडियो शूट कर लेना, बना लेना, कुछ व्लॉग बना लेना, लेकिन मेरे बगैर ये काम नहीं कर सकती। पता नहीं मसला क्या है, सीरियसली काम नहीं होता। सच्ची बात है, मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप घर पे नहीं होते ना, ना ही व्लॉग बनता है, ना ही मुझसे काम होता है। सीरियसली मैं आपको सच बात कह रही हूँ। और सुबह जो है ना इधर कुरान खानी थी, मैंने उधर भी जाना था, तो जल्दी से काम ख़त्म करके फिर हम उधर ही चले गए, सासू माँ मैं और बाजी कमल बड़े घर में सब गए, तो हम उधर ही चले गए थे। जब वापस आए वहाँ पे तो आप काफ़ी लेट गई, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया। देखे जिंदगी का पता नहीं है, मैं इसे कहते रहता हूँ कि व्लॉग शूट किया करें, वीडियो की एडिटिंग आप सीख ले, आप काम किया करें, अगर मैं ना हूँ तो आप काम तो कर लेना, ना किया करें, अल्लाह ताला आप नहीं। वैसे कहीं पे मुझे जाना पड़ता है, अगर मैं कुछ दिन के लिए कहीं पे चला जाऊँ तो फिर आप क्या करोगे? क्यों चले जाओगे, आपका काम है, आपको ऐसा काम पड़ जाता है, बंदे को जाना पड़ता है, तो आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, व्लॉग बनाना भी आपको आना चाहिए। बस कोई जब खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, आप सब ने पिछला क्लिप देखा, वहाँ से आगे इसने एक सेकंड की भी वीडियो नहीं बनाई। हाँ मैंने नहीं बनी क्योंकि मैं उधर चली गई, जब वापस आई तो मेहमान आ गए, मेहमानों के साथ बैठ गई, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर मैं कैसे व्लॉग बनाती, काम भी ख़त्म हो गया था, मेहमान अंदर बैठे थे। मर्जी है आपकी। आप सब बहन भैया से गुजारिश है, अपने भाई के लिए दुआ ज़रूर करनी है, इसका जो है ना मैदे का बहुत मसला हुआ है, अल्लाह पाक खैर करे। अभी भी मैंने जो है इसे टैबलेट दी है, इसने खाई है, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। सब बहन भाइयों की दुआएं हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे बहन भाई, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो बहन भाई हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं।
हमारी हौसला आप सही करते हैं, सीरियसली दिली खुशी होती है हमें। आपके भाई की तबीयत खराब थी, जब भी होती है ना आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा आपका मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं बीमार हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह फिट लग रहे होंगे, क्योंकि जब भी इसकी तबीयत आउट होती है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि सारा काम जो ना आपका भाई करता है। आपको इसलिए टेंशन हो जाती है, इसे ये तो बीमार हो गया, वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो एडिट कौन करेगा, सारे ये काम कौन करेगा, इसलिए जो है ना इस बेचारे को टेंशन हो जाती है। यही बात ये खुद कर रही थी, सारे काम इसी को करने होते हैं, मुझे टेंशन होती है। अब मैंने खुद ये बात कह दी तो ये परेशान हो गई। इसलिए कोई बात आपने नहीं सुना? अच्छा सुना सुना, सब तो बात भी खत्म हो गई, बात खत्म हो गया नहीं खत्म हुई, काम इसी को करने पड़ते हैं आगे। काम का मैं यही बता रही थी, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो हमें तरीका नहीं आता, और जब आपको तकलीफ होती है काम तो अलग रह गया, सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुस्सा आपके साथ हो जाती है, हंसी भी आपके साथ हो जाती है, मजाक भी आपके साथ हो जाती है, फिर आप तो तकलीफ में होते हैं, कहा जब तकलीफ में होते हो तो फिर झगड़ा कैसे करते हैं। मैं नहीं करना, पंखा चल रहा है, थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो महसूस ना कीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, शदीद किस्म की गर्मी है। बाहर कोई आया हुआ है? हाँ, टाइम इस वक्त हो रहा है 4:15 बज रहे हैं शाम के, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी है कि बंदा बाहर नहीं निकल सकता, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है। अभी ये बाहर गई थोड़ा काम की, सारे मेरे कपड़े गीले हैं, इसके कपड़े जो है ना भीग गए पसीने से। तो कहानी कहाँ पे थी, चल रही थी, हम बकरियां रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू से इसे शौक था बकरियां रखने का, क्योंकि ये भेड़ बकरियां चराती थी शुरू से। मैं आजरी थी। हाँ, ये रेवड़ वाली थी। हाँ। तो इसे बहुत शौक था बकरियों का, क्योंकि तो, बकरियों का शौक इस वजह से, एक तो मुझे बकरियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, प्यारी प्यारी लगती है, और जो उनका दूध होता है क्या ही बात है, वीआईपी दूध होता है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां हमारे घर पे रहती थी शुरू से, जब से हमारी शादी हुई ना तो हम बकरियां पालते आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बकरियों में इतनी ज़्यादा बरकत रखी है, क्योंकि 5 महीने में वो बच्चा देती हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह एक बकरी 3-3 बच्चे देती है, और 6-7 महीने में फिर वो जवान भी हो जाते हैं, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां रख रख के ना हम बेचते थे, उनके जो बच्चे होते थे जब जवान होते थे, बकरियां हम फिर बेचते थे, तो हम सेविंग करते रहे, हम पैसे इकट्ठे करते रहे, और जो मैं पैसे अपने बच्चों को देता था, खुबैब को या हमारी बेटी उसको खर्चे के, तो हमारी बेटी वो भी जमा करती रहती थी और खुबैब भी जमा करता रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, जब हमने पैसे इकट्ठे किए, हमने गिनती की, तो उस वक्त अक्ल दंग रह गया कि इतने पैसे जमा कर लिए, और हमने एक कमरा भी बनवाया था, वो छोटा जो हमारा कच्चा कमरा था वो भी कोठी थी, बकरियां बेच के वो हमने बनवाया था, उसका छत का सामान वगैरह सारा कुछ उन्हीं से लिया था, और इसी तरह जो है ना हम सेविंग करते रहे। शुक्र अल्लाह ताला का मेरे चैनल फिर मोनेटाइज हो गए, चैनल की थोड़ी बहुत अर्निंग आने लगी, और एक भाई का कमेंट्स आया हुआ था कि वो, उसने पूछा कि भाई अपनी पेमेंट भी हमें बताएं, चैनल की अर्निंग कितनी आती है। तो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पेमेंट आती रही, फिर बीच में से तकरीबन 6 महीने हमारी पेमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे व्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, कम हो गए थे, इसलिए जो है ना पेमेंट हमारी नहीं है। बाकी शुक्र अल्लाह ताला का 1 महीने में यहाँ तक भी पेमेंट आई है, वैसे अलाउ नहीं है, बताते नहीं है कन्फर्म, यानी कि 1 लाख के करीब भी 1 महीने की हमारी आई है, शुक्र अल्लाह ताला का। और कभी गैप भी हो जाते हैं जब व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो इसी तरह जो है ना हम सेविंग करते रहे, इकट्ठे करते रहे, और जब हमने ये काम शुरू किया अपने इस ओल्ड एज होम का, हमारा जो मकसद था, हमारी जो सोच थी कि हम जो है ना इसमें जो बेसहारा लोग होंगे, जिनका कोई सहारा, जिनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं होगा,
तो उनकी देखभाल यहाँ पे हम करेंगे, हमारी सोच थी। तो जब हमने पैसे इकट्ठे किए, हमारी बेटी ने इकट्ठे किए हुए थे 4500-4600 उसने इकट्ठा किया हुआ था, और बैब ने मेरे ख्याल में 2200 कुछ रुपए थे उसने इकट्ठे किए हुए थे। इसी तरह सारे हमने इकट्ठे किए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पैसे हो गए। तो फिर बेची थी और उसके वो फल वगैरह थे, एक बकरी हमने रखी थी, बाकी सारियाँ बेच दी थी। पहले भी हम सेविंग करते रहे, इकट्ठे करते रहे, और जब काम शुरू करने लगे तो फिर हमने वो सारी बकरियाँ बेच दी, एक बकरी सिर्फ रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इकट्ठे हुए पैसे फिर हमने अपना काम शुरू करवा दिया, और उसके बाद हमारे बहन भाई अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए, जिन्होंने हेल्प की इस ओल्ड एज होम में, इस घर को बनाने में। अल्लाह ताला सबके माल जान में बरकत अता फरमाए। बाजी शहीन है, बाजी सलमा है, बाजी कमराज हैं, और भी हमारे कुछ बहन भाई हैं, जितना भी उनके पास तौफीक थी थोड़े बहुत वो इकट्ठे करते रहे, हमारी तरफ उन्होंने भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियाद जब हमने रखी तो ऐसा ऐसा वो अल्लाह ताला की ज़ात ने रोका नहीं, वो काम चलता रहा, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको हमेशा सलामत रखे, जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्य खैर में, और हमारा मकसद बहुत बड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से जो हमारा मकसद है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात हमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगी। और हमारी एनजीओ भी इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस चल रहा है, जल्दी कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, वो भी पूरे ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहानी तो हमारी काफ़ी लंबी थी, लेकिन आपको मुख्तसर से हाल अहवाल दिए हैं। अगर हम पूरी कहानी बताते तो पता नहीं कितने दिन गुजर जाते, कितने महीने गुजर जाते। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जब हालात चेंज करती है ना, तो बंदे को पता भी नहीं चलता। तो पहले हमारे हालात कैसे थे, हम खुद गंदम की कटाइयाँ करते थे, हम इकट्ठे करते थे गंदम तकरीबन 4 से 5, 6, 7 मन गंदम इकट्ठे करते थे। फिर जो है ना वो जब ख़त्म हो जाती, फिर 2-2 किलो, 5-5 किलो हम आटा भी लेते थे जी। इधर वो क्या कौन है ये आते हैं इधर, 2-3 किलो लेकर आते थे, वहाँ से भी हम ले लेते थे। हाँ जी, ये जो भीख मांगने वाले वो किसी और जगह से आटा जो है ना भीख मांग के आते थे, तो फिर बेच देते थे चक्की पे या हमारे घर पे आते। हाँ, तो कहते कि आटा ज़रूरत है आपको, तो उनसे भी हम ले लेते थे। इसी तरह जो है ना वक्त गुजरता आया, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला की ज़ात जिस हाल में भी रखे तो शुक्र अदा करना चाहिए। वो भी वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता था, हम सारे शुक्र अदा करते थे। हम 5 बैठ कर जब एक कटोरी हबीब भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गया था, एक कटोरी सालन की होती थी, और हम 5 बंदे मिल के एक कटोरी सालन की खाते थे, और हमें वो काफ़ी हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्त गुजरता आया और अल्लाह ताला की ज़ात ने हालात चेंज कर दिए। मैं इस्लामाबाद मजदूरी पे भी गया था, वहाँ पर भी मैं मेसन के साथ, मेरे भांजे वहीं पे काम करते थे, उनके साथ मैं काम करता रहा। वो हमारे और चैनल पे वीडियोस भी अपलोड हैं, DNW अल्ताफ पहाड़ के नाम से वो चैनल था। तो मजदूरी करता था उनके साथ, लेकिन शुक्र अदा करता था अल्लाह ताला की ज़ात का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी किसी को महसूस नहीं होने दिया था कि मेरे हालात इतने तंग दस्ती में हैं, इतना तंग हूँ मैं, कभी भी मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया था उस वक्त में भी। और जब मैं बाहर निकलता था अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद सूट पहन के लश पश, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा यही समझता था कि ये कोई मालदार आ रहा है। और मैंने मेहनत जारी रखी चैनल पे, और मकसद यही था कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि मैंने वक्त देखा है गुर्बत में, और काफ़ी तंग दस्ती में हमने वक्त गुजारा है, एहसास भी है, और गुर्बत में किस तरह वक्त गुजरता है ये हमें एहसास है। अल्लाह ताला सब की हर परेशानी को दूर फरमाए और सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैंने एक वजीफ़ा किया था, वो भी आप सब बहन भाइयों को बताता चलूं। अगर आपके हालात बहुत ज़्यादा तंग हों, तंग दस्ती हो, तो उसमें एक वजीफ़ा बता रहा हूं। तो वो वजीफ़ा आप कीजिए, जितने भी बहन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ये मुशाहिदा है मेरा, और रेगुलर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर इस वजीफ़े को करेंगे,
तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी बेशक। चाहे आपके हालात जितने भी तंग दस्ती में हों, तो जब वो आप वजीफा कर लेंगे उसके बाद आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे रास्ते खोल देगी कि आपके वहम गुमान भी नहीं होगा। तो वजीफा पहले बता दूँ, उसके बाद जो है ना फिर बातें होती रहेगी। वजीफा गौर से सुनिएगा, सुबह की नमाज जब आप अदा करते हैं, सुबह की नमाज के बाद आप अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और 21 बार आपने सूरह नस्र पढ़नी है, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, ये सूरत। ज़ुहर की नमाज के बाद 22 बार, असर की नमाज के बाद 23 बार, मगरिब की नमाज के बाद 24 बार, इशा की नमाज के बाद 25 बार। आप इसको रेगुलर पूरे 3 महीने इस वजीफे को करें, 5 वक्त हर नमाज के बाद इसी तरह आपने करना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो 21 बार सुबह की नमाज के बाद आपने पढ़नी है सूरत नासिर। ज़ुहर की नमाज के बाद 22 बार, असर की नमाज के बाद 23 बार, मगरिब की नमाज के बाद 24 बार और इशा की नमाज के बाद 25 बार। आप इस वजीफे को, इस सूरत को आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ें। पूरे 3 महीने आप जब शुरू करें, डेट लिख लें, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप खुद देख लेना इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने अब किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं दी। जितना भी शुक्र अदा करें कम है। नमाज 5 वक्त अदा किया करें। एक तो नमाज की पाबंदी हो जाती है, जब आप रेगुलर 3 महीने 5 वक्त नमाज अदा करेंगे तो कभी भी आपकी नमाज कसा नहीं होगी फिर। और ये वजीफा भी आप रेगुलर जब पढ़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये आप सबने ज़रूर करना है, जिनके हालात तंग दस्त हों, तंग दस्ती में हों, तो इस वजीफे को ज़रूर करें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जिस हाल में भी रखे तो शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला की ज़ात का। जब इंसान के मुआफ़िक कुछ होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें एक ज़रिया बनाया है, हम हज़ारों फैमिलीज़ का एक ज़रिया बने हुए हैं, उनका सहारा बने हुए हैं। चले कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हो जाती है तो हमें दिली तौर पे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप सब बहन भी उसे गुजारिश है, बस दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और इसमें कैम व दैम रखे जब तक हम जिंदा रहें। बाकी जिंदगी में काफी मामला चलते रहते हैं, काफी मोड़ आते हैं जिंदगी में, मुझे ऐसे लग रहा है कि वीडियो मुकम्मल हो गई है। कितनी होगी अभी बुला? अभी बुला इधर बैठा है, 16 मिनट की हो गई है, 25 मिनट की बनाते हैं। और मैं क्या कहना चाहूंगी, सारी बातें तो आपने खत्म कर ली, मैं क्या कहूँ यार बहन भैया, आप मुझे बताए मैं क्या कहूँ, क्योंकि सारे जो बातें मुझे आती थी वो आपने, आपके भाई ने कर दी सारी बातें। बाकी बातें हम बहुत सुनते थे, मुझे निखट्टू कहते थे और इसे कहते थे आप जिंदगी में रोएंगी, आप परेशान होंगी, आप गलत लड़के से शादी कर रही है, तो तरह तरह की बातें सुनते थे। वो इस क्यों कहते थे मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप जिस हालत में भी रहते थे ना आपके भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सफेद पोश होकर बाहर निकलते थे, जब ये बहन निकलते थे ना, तो सॉरी मैं नहीं करना, जो सच है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब ये बाहर निकलते थे ना, जो बस्ती में लड़कियाँ थी सब इसकी तरफ देखती थी और बस देखते रहते थे, और मेरे भाई आते थे या कोई और भी आता था देखता था, मुझे कहते थे कि आपने इसके साथ शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं कहती थी क्यों, तो कहते थे ये फलां लड़की देख रही थी, फलां लड़की देख रही थी, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये काम नहीं करता, ये हर वक्त सफ़ेद पोश रहता है, ये कहाँ से मेहनत मजदूरी करके आएगा, आपको खिलाएगा, आप परेशान होंगे, हम आपको बार बार मना करें। वैसे भी ये झूठ नहीं था, जो बस्ती वाली लड़कियाँ हैं ना, वो बस्ती वाली लड़कियाँ सुनते नहीं, मैं कह रही जो बस्ती वाली लड़कियाँ थी ना, वो कहती थी, एक कहती थी मैं शादी करूँगी, दूसरी जैसे ये सब कहती थी कि हमने शादी करनी है। फिर मुझे कहती थी मोटी, जब मेरा निकाह हो गया था ना, तो सब मुझे फिर कहते थे मोटी आ गई हमारे बीच में, हाँ नहीं तो हमने शादी करनी थी। फिर वो सब कहते थे आप सुन रही हो ना,
हमने आपको ठीक कहा था, आप इधर शादी ना करें। मैं खामोश, मैंने किसी को कभी जवाब नहीं दिया था कि आप मुझे क्या कह रही हैं। मैंने ये भी नहीं पूछा था, ये अब मैं बात करूँ, मैंने आपसे कभी पूछा था कि आपने इस तरह क्यों देखा, ये लड़की ऐसे कह रही थी, आपने इधर शादी करनी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ था, और शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बचाया बेशक, क्योंकि ठीक है मेरी तरफ देखती थी और तलबगार भी थी, मैं जहाँ भी जाता था अल्लाह ताला ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि कोई भी देखती थी तो वो इधर घर पे भी आ जाते थे रिश्ते के लिए कि हमने इधर रिश्ता करना है। लड़कियाँ काफ़ी जो यानी कि वो थी जो रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़कियों से डरता था, मुझे शर्म आती थी बहुत ज़्यादा, सीरियसली लड़कियों से डरता था। आप किसके जिम्मे बड़ा लगी हुई है, लड़की नहीं है। मुझे इतनी शर्म आती थी, मैं लड़कियों के सामने ऐसे नजर भी मेरी नहीं उठती थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन कपास इधर जो खूह आया था आपने, हम तो खूह कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, इधर जो ना खूह में कपास काश की हुई थी, तो वो कपास में ना चुन रहे थे, इसने वो दुपट्टा पहना हुआ था, जैसे हम लोग दुपट्टा पहन के कपास चुनते हैं, ऐसे पीछे वो कपास चुनते हैं, कपास पीछे कपास दुपट्टे के अंदर वो रखते आते हैं, कपास चुन रहा था। तो जिसकी कपास थी माशाल्लाह, वो जना हम उसे कहते थे क्या मलिक, क्या कहते हैं हम वहाँ पे, वहाँ पर लड़कियाँ आई हुई थी, तो लड़कियाँ पूछ रही थी कि ये कौन है, ये जो कपास चुन रहा है ये कौन है, तो इसने ऐसे नज़र नीचे रखी ऊपर देखा भी नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आज तक मेरी नज़र नहीं उठती औरतों की तरफ, जैसे देखते हैं लड़के, मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता था शुरू से आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत भी नहीं है कि जैसे आंखें फाड़ फाड़ के बंदा देखना शुरू कर देता है लड़कों की तरफ। मुझे एक बात याद आ गई, जहाँ पे आपने वो काश किया हुआ था, सब लोग बहाया हुआ था, मैं अपनी जबान में हाँ जमीन ठहर के पे हाँ, वहाँ पे गंदम जो गंदम थी, तो गंदम फिर अम्मी ने कहा कि मैं भी कटाई कर दूँ, वो उस दिन की बात है जब मैं कमाली थी, मुझे याद आ गई अब, तो मैं कमाली थी, तो जब गंदम की कटाई होगी और ये माशाल्लाह थे चार भाई और मामू जान सासू माँ और पता नहीं कौन कौन थे, तो हम थे दो बहनें एक हमारी अम्मी, हम तीन थे, गंदम बराबर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो गंदड़िया सिर पे रखते हैं, तो हमने जो है ना मुकाबला लगाया कि कौन पहले जो है ना ये गंदम जल्दी जल्दी इकट्ठी करता है, तो जब हमारा मुकाबला शुरू हुआ गंदम इकट्ठे करने में हम जीत गए, ये हार गए थे हम, हमसे मुझे भी ये बात याद भी नहीं है, बस आपको याद यार हम हार गए थे जी। आप सीरियसली मैं बताती हूँ, सुनो सुनो, जो आपने गंदम कटाई की थी माशाल्लाह वो बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं हाँ, वो थी बहुत ज्यादा घनी, जो इन्होंने जमीन के यानी कि गंदम की कटाई की थी, जो जमीन थी वहाँ पे यानी कि थोड़ी बहुत थी गंदम, सारी जमीन खाली थी मतलब आप मुझे याद आ गए, क्योंकि तकरीबन अगर एक किनाल थी जमीन तो उसमें गंदम थी दो तीन मरले ऐसे समझ लें, तो अगर हमारे जो वो थे ना गठड़े जो गंदम की हम वो बंधाई करते हैं बांधते थे, तो हम गड्ढे बोलते हैं गड्ढे, हमारे तकरीबन अगर थे 100 तो इनके थे ज्यादा से ज्यादा 20 ऐसे समझ लें, इसलिए जीत गई थी। हाँ अब मुझे याद आ रहा अच्छी तरह से, और एक और बात मुझे याद आ रही थी, हाँ एक कमेंट आया हुआ था भाई का, उसने कहा कि भाई आप नाम क्यों इसका उल्टा पुकारते हैं शमशादी, आप सीधा नाम पुकारा करें, गलत बात है आप उल्टा नाम पुकारते हैं शमशादी, शमशाद नाम है इसका, आप शमशादी क्यों बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से आदत है, आज तक मैंने किसी का नाम भी उल्टा नहीं बोला बिल्कुल भी, सीधा नाम और पूरा नाम मैं पुकारता हूँ। इसका नाम शमशादी नहीं है, इसका असल नाम कुछ और है, क्योंकि इसका नाम अहमद भाई ने शमशादी ऐसे रख दिया था, शमशादी इसलिए बोलते हैं।
बाकी इसका असल नाम और है और वो भी इंशाल्लाह ताला कभी आप सबको बताएंगे, अभी नहीं बताते। हाँ जी। हाँ, इसका असल नाम ये नहीं है। बस अहमद भाई और भाभी सपा ने दोनों मिल के मेरा नाम रख दिया शमशादी और शमशादा। हाँ, शमशाद वैसे नाम होता है, इसका नाम शमशादी पुकारा तो फिर इसका नाम हमने रख दिया, ठीक है पुकारते हैं शमशादी के नाम से। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरी बड़ी बहन थी वो अल्लाह ताला के पास से गई है, उसका नाम शमशाद था। हाँ, इसकी बड़ी बड़ी जो बहन थी ना उसकी डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका नाम शमशाद था वाकई, और इसका नाम शमशादी रखा तो फिर शमशादी बोलते हैं। जी, इसका असल असल नाम कुछ और है जी, वो इंशाल्लाह ताला बताएंगे, अभी नहीं बता दिया सबको, अगर पूछेंगे बहन भी तो फिर बताएंगे, वो हम बताएंगे जब आपने हमारा 1 मिलियन कम्प्लीट करना है सब्सक्राइबर। हाँ जी। फिर इसका नाम बताएंगे कि इसका नाम असल क्या है जी। ठीक है, जब 1 मिलियन आपने हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है। 1 मिलियन अभी से शुरू हो रहा है, टेंशन ना ले क्योंकि मेरा नाम। हाँ, वीडियो काफी लंबी होगी है, गपशप होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।